हेलो सी एन टेल स्टूडेंट, कैसे हो? तो कल का आपने वीडियो देख लिया, मतलब इसका लास्ट वीडियो आपने देख लिया बराबर। तो क्वेश्चन टॉपिक एकदम सिंपल है, सिर्फ अपना पूरा स्टेप्स पे ही है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन चालू करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है और देखो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड करके क्वेश्चन, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो ना, 9,06,000 है ना, 9,06,000। यस, वही हम लोगों को करना है। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंटरी है, कैश एट बैंक है। और लाइबिलिटी साइड में 40,000 इक्विटी शेयर है जो ₹10 का एक फुल्ली पेड अप है, और 30,000 इक्विटी शेयर है जो ₹10 का एक फुल्ली पेड अप है बी लिमिटेड में। फिर जनरल रिजर्व है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर अकाउंट पेबल है और ट्रेड पेबल है, और 6% डिबेंचर, मतलब इसमें डिबेंचर है। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कैरी ऑन बिजनेस ऑफ सिमिलर नेचर एंड दे एग्री टू अमालगमेट। अच्छा, दोनों अमालगमेट होने वाले हैं एंड अ न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड इज फॉर्म। तो ये दोनों ओल्ड है और जो ए बी लिमिटेड बनेगा वो न्यू कंपनी। ये समझ में आया? अब देखो, असेट्स एंड लाइबिलिटी हैव टू बी टेकन एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। तो क्या बोल रहा है मालूम है? एबी लिमिटेड बोलता है, मतलब न्यू कंपनी पीसी देने वाला है, तो न्यू कंपनी क्या बोलता है, मैं एबी लिमिटेड का, ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का असेट लेके जाऊंगा, बुक वैल्यू पे लेके जाऊंगा, बट जो नीचे दिए हुए असेट्स है ना वो मैं एग्रीड वैल्यू पे लेके जाऊंगा। जैसे गुडविल ए लिमिटेड का 1,40,000, बी लिमिटेड का 40,000, प्लांट एंड मशीनरी ए लिमिटेड का 1,00,000, तो बी लिमिटेड का बुक वैल्यू। फिर डिबेंचर आर टू बी डिस्चार्ज बाय द इश्यू ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ ए बी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, ये तो डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट हो गया ना, ये तो पीसी में नहीं आएगा। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑन विच शेयर इन ए बी लिमिटेड विल बी इश्यूड टू शेयर होल्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। अच्छा अच्छा, तुमको ये डिसाइड करना है कि कितना शेयर इश्यू करना चाहिए, पर पीसी तो दिया नहीं, तो अपने को पहले सबसे पहले पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखना, मैं आपको पीसी बना के देता हूं और ये सम्स आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, दो कंपनी है ना, बराबर है। इसके एक ही शेयर होल्डर है, और क्या दे रहे हैं हम लोग उसको, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। एट पार पे, बराबर है नंबर टू। अब अपने को ये टोटल होता है पीसी, पीसी तो दिया नहीं और ना ही ये दिया, तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट असेट्स। ये ए लिमिटेड का और ये बी लिमिटेड का, बराबर। अब क्या क्या बोल रहा हूं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो उसका एग्रीड वैल्यू दिया है क्या, क्योंकि यहाँ पे एग्रीड वैल्यू है, वो सब लेके जा रहे हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एग्रीड वैल्यू तो नहीं दिया, तो 3,00,000, 2,40,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ए का 1,00,000 रुपए और बी का नहीं दिया तो 40,000। फिर मोटर व्हीकल 30,000, 20,000,
देखो ना एकदम सिंपल हो गया अभी, फिर मोटर व्हीकल का गुडविल है उसका, दोनों का गुडविल है ना, 1,40,000 और 40, फिर ट्रेड रिसीवेबल, दो लाख और 80, फिर इन्वेंटरी, नहीं दिया इन्वेंटरी तो बुक वैल्यू, फिर कैश एडवांस सब लेके जा रहा हूं, लाख, 1,30,000, 1,40,000, 2,00,000, 2,30,000, 10,80,000 आएगा, छह लाख चालीस ही आएगा, ट्रेड पेबल उसके बाद 6% डिवेंचर, ये 2 हो जाएगा लायबिलिटी, और 3 में हम लोग क्या फाइंड करते हैं पीसी, अब उसके लिए मुझे ना ये फाइंड करना पड़ेगा, ये सब वर्किंग नोट ही एक तरह का, सेटलमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी, चलो अभी डिवेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी का देख लेते, अभी ध्यान से सुनना, डिवेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज, अच्छा अच्छा बी लिमिटेड का, अच्छा इसके पास तो है ही नहीं डिवेंचर, इसके पास डिवेंचर तो है ही नहीं, सिर्फ इसका ही, तो कैसे डिस्चार्ज होगा, डिवेंचर ऑफ बी लिमिटेड टू बी डिस्चार्ज बाय द इश्यू ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ ए बी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, अच्छा तो उनको हम लोग 5% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करने वाले, इज दैट क्लियर, मतलब क्या करेंगे हम लोग उनको 5% देंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब मैंने उनको बोला कितना परसेंट है तुम, तो बोलता है सर हम लोग 6% वाला, अच्छा आपका कितना रुपया बनता है, तो बोलते हैं 1,20,000, चल 1,20,000 में 5% ज्यादा देता हूँ, मुंह बंद कर चल, तो मैं बोले 1,26,000 रुपये बनता है उसका, तो ये तो जरूरत ही नहीं है यार, डायरेक्ट बोल गया, ये 10,80,000 माइनस 2,10,000 तो आएगा 8,70,000, उसके बाद ये 6,40,000 माइनस 2,56,000 दिस विल बी 3,84,000 हो गया पीसी,
8,70,000, 3,84,000, तो ये भी वही आएगा ना, 8,70,000, 3,84,000, तो नंबर ऑफ शेयर, तो 8,70,000 + 3,20,000, 3,84,000 डिवाइडेड बाय 10, 125,400, समझा कि नहीं, 125,400 हो गया। अभी आपको क्या पास करना है, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पास करो, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। नंबर थ्री पहले जर्नल एंट्री हो और नंबर टू में बैलेंस शीट, तो पहले फर्स्ट के बाद नंबर थ्री लो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सिंपल तो है यार। क्या है, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए टू लिक्विडेटर ऑफ बी, फिर असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, यहाँ पे डिफरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, गुडविल। इज दैट क्लियर, समझा, दोनों का एंट्री मर्ज करके रखो, चल तो भी चलेगा। फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड डिस्चार्ज करो, फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है, फिर उसके बाद सीधा पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। सेकंड एंट्री में अगर डिबेंचर है तो थर्ड एंट्री में भी डिबेंचर आना चाहिए, मतलब फिफ्थ एंट्री में, समझा। तो हम लोग ने एट पार पे इशू किया, समझा, तो हम लोग ने डिबेंचर को किस पे इशू किया, पार पे। तो कैन यू डू दिस, यस एब्सोल्युटली, सो टेक इट एज होमवर्क, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, पर क्या करें। हाँ ये लिख लो, चाहिए ये मई 2015 में 16 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, मई 2015 में 16 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 15 था ना, तो अभी 16, सन एंड नेपच्यून करके क्वेश्चन देखो, सन एंड नेपच्यून, और ले लो बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन, मई 18 में 16 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन 16 मार्क, कभी 30 मार्क के लिए भी पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन 16 मार्क के लिए आया हुआ था मई 18 में। सन एंड नेपच्यून हैव बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इंडिपेंडेंटली, तो सन और नेपच्यून अपना अपना बिजनेस कैरी करते थे। दे एग्री टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी जुपिटर लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 4,00,000 डिवाइडेड इनटू 80,000 इक्विटी शेयर, तो उनका ऑथराइज शेयर कैपिटल जो, तो नया कंपनी का नाम है जुपिटर, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, और जुपिटर जो बनेगा अमलगमेशन के बाद ये न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल 4,00,000 रुपए दिया है, जिसमें 80,000 इक्विटी शेयर जो 5 रुपए का एक आना चाहिए। अब देखो फिक्स असेट में क्या क्या है, सन का इतना, करंट का इतना है, करंट लायबिलिटी में इतना है, और रिप्रेजेंटेड कैपिटल 3,65,000 कैपिटल है सन का, और नेपच्यून का 352,500। एडिशनल फिगर देखो, रिवैल्यूड फिगर ऑफ फिक्स असेट्स एंड करंट असेट दिया है। डेटर्स एंड क्रेडिटर इंक्लूड 43,350 ओल्ड बाय सन टू नेपच्यून, लिखो इंटर कंपनी डेट, यस लिखो इंटर कंपनी डेट, मतलब एक के डेटर में दूसरे के क्रेडिटर में 43,350 लिखा है। तो क्या करो, मालूम है करंट असेट है ना आपका, करंट असेट सन के करंट असेट में से भी लेस होगा और नेपच्यून के करंट लायबिलिटी में से भी लेस होगा। डेटर के अंदर क्रेडिटर इंक्लूड है, मतलब सन के डेटर में सन के लिए नेपच्यून क्रेडिटर है और नेपच्यून के लिए सन डेटर, तो स्पेसिफिक तो दिया नहीं है, बराबर ना। आगे परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स एंड डिबेंचर, तो परचेज कंसिडरेशन कैसे सेटल होगा वो देखो। 60,000 इक्विटी शेयर देने का जुपिटर लिमिटेड, जुपिटर लिमिटेड बोलते हैं मैं 60,000 इक्विटी शेयर दूंगा सन को भी और नेपच्यून को भी, इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस बेस्ड ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट, याद आ रहा है, मतलब एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेगा उसके प्रोपोर्शन में आप 60,000 इक्विटी शेयर बांटोगे, याद आ रहा है आपको। दूसरा 15% डिबेंचर देगा जुपिटर लिमिटेड एट पार to provide an income equivalent to 8% return business as on capital employed in the respective business after the revaluation of asset, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसके ऊपर हमने क्वेश्चन ही सॉल्व किया था कैपिटल परचेज कंसिडरेशन पे, वही कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिबेंचर एंड शेयर टू बी इश्यूड, तो अपने को क्या है सिंपल में सीधा हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्या बोलते हो?
कट गए स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बस अभी ध्यान दो, अभी तो कोई तकलीफ ही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन में। इसके एक ही शेयर होल्डर है, क्लियर है ये? चलो अभी देखते और क्या, अभी तो कोई काम ही नहीं बॉस, अभी तो एकदम सिंपल हो गया। परचेज कंसिडरेशन में सबसे पहला क्या देने वाला हो, 60,000 इक्विटी शेयर, ऑफ रुपीज 5 ईच एट पार, बट वो प्रोपोर्शन टू नेट प्रॉफिट रहेगा, प्रोपोर्शन टू एवरेज प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद कितना डिबेंचर देगा ना, अब दोनों नहीं है मेरे पास, तो मुझे अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो नेट असेट मुझे तो सिंपल में मिल जाएगा, पहले तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। सन लिमिटेड माइनस फोर फोर नाइन फाइव सेवेंटी सिक्स माइनस 2,500 प्लस 377,924 डिवीजन 3 2,75,000। तो प्रपोर्शन टू सेवेंटी फाइव प्लस 325 600 यही होगा ना। मतलब तो 60,000 इसको जो आप दोगे, ये देखो साठ हजार इंटू 275 अपॉन 600 30 to 500 मतलब इंटू फाइव करने का, फिर
इंटू फाइव इंटू फाइव, ये आएगा 137,500। आपको अलग से इक्विटी शेयर दिखाने का है, उसने बोला है शो द सेपरेट इक्विटी शेयर, तो देखो यहाँ पे वो करना पड़ेगा अपने को। देखो ये हो गया। अब डिबेंचर की बारी। अब देखो डिबेंचर के लिए उसने क्या बोला है, वो क्या बोलता है, मैं 15% डिबेंचर दूंगा एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मुझे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल असेट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स असेट 7,10,000, हमेशा एग्रीड वैल्यू पे कैलकुलेट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, बुक वैल्यू पे नहीं। 3,90,000 करंट असेट, ठीक है। करंट लायबिलिटी जब नहीं दिया तो बुक वैल्यू लेना पड़ेगा ना सरकार। तो ये आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका इनकम कितना आएगा, थर्टी थ्री थाउजेंड, और इसका ट्वेंटी नाइन फोर हंड्रेड। अब इसको 15% पे लेके आओ कि ये 8% पे, तो अपने को तो 15% वाला डिबेंचर देना है ना, तो ये 1,96,000 का डिबेंचर हो जाएगा। और ये 2,20,000 का डिबेंचर हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर पार पे दे रहा है 2,200 डिबेंचर, और इसका 1,960 डिबेंचर।
हो गया, तो टोटल में बोलो 2,20,000 इसका आएगा और 1,96,000 इसका आएगा, हो गया ना। अब टोटल 2,20,000 प्लस 1,96,000 डिवीजन 100, तो 4,160 डिवेंचर। बस इतना ही है, समझा क्या? अब आपको क्या बनाने का, अभी आपको बैलेंस शीट बनाने का है, दूसरा कुछ भी नहीं बनाने का है। ये नंबर क्या था, 3 था ना। अब नंबर 4 बैलेंस शीट बनाने का। मैं अब देखो, अब डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हो, अभी कोई तकलीफ नहीं, अब डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हो, ठीक है। फिर भी यहाँ पे डिबेंचर है ही नहीं, सिंपल है। देखो फर्स्ट स्टेप बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सन टू लिक्विडेटर ऑफ नेपच्यून। फिर उसके बाद असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, इसमें डिफरेंस जो आएगा, इसमें डिफरेंस आ सकता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ सकता है, दैट वी डोंट नो, इज दैट क्लियर। उसके बाद चलो पास करके दे देता हूं आपको। देख लो, चलो ये भी एक टाइप देख ही लो, एक्चुअली जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, बट मैं आपको पास करके देता हूं। अब बैलेंस शीट बना लेना, ठीक है ना। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू नंबर 2, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, अब यहां नंबर 2 में ना आप है ना असेट्स एंड लायबिलिटी ना, दोनों के लिए अलग अलग करने, क्योंकि दोनों कंपनी का क्या मतलब, एक में गुडविल आ सकता है और एक में कैपिटल रिजर्व आ सकता है ना, फॉर सन लिमिटेड। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व आएगा। समझा क्या? 2 कैपिटल रिजर्व आएगा।
350 एंड 500 ये गुडविल आ रहा है, ये भी कैपिटल रिजर्व है शायद। हाँ इसका डेबिट कितना है, फाइव 47750 माइनस 18250 माइनस 358500 9000 तो इसमें भी कैपिटल रिजर्व ही आ रहा है। ठीक है समझ में आया, तो कंबाइन कर दे तो भी चलता था। अब डिस्चार्ज ऑफ पीसी, टोटल सात लाख 16 हो गया, खत्म हो गया। अब ना मैं डायरेक्टली आपको सिखा रहा, कुछ नहीं है बाकी ना, कुछ नहीं। हाँ डेटर क्रेडिटर वाला है ना, स्टेप नंबर 3 तो स्टेप नंबर कैरी फॉरवर्ड स्टैट्यूट इंटर कंपनी डेट है, बराबर कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट। अभी देखो इंटर कंपनी डेट का कैसे बताना, वो क्या बोल रहा है, डेटर एंड क्रेडिटर इंक्लूड 43350 ओन्ड बाय सन टू नेपच्यून, मतलब क्या, करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू करंट असेट अकाउंट 43350 हो गया। तो क्या करना, करंट लायबिलिटी से 43350 लेस करना, लास्ट में जब मर्ज करोगे ना, और करंट असेट में से 43350 लेस करना। अब आपको बैलेंस शीट, अभी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए दो चीजें होना चाहिए, एक न्यू कंपनी का बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री। तो न्यू कंपनी का बैलेंस शीट तो अपने पास है नहीं, तो सिर्फ जर्नल एंट्री की मदद से बैलेंस शीट बना देने का। समझा क्या, इतना कि करंट लायबिलिटी जो भी टोटल आएगा ना उसमें से 43350 लेस करना, और जो करंट है जो भी टोटल आएगा उसमें 43350 लेस करना। इज दैट क्लियर, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते बोलो, नहीं कर सकते तो फिर मैं ही करता है बोलो। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना था, वो सिक्सटीन ना,
अभी 17 17 देखो, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड करके क्वेश्चन है और उसका बैलेंस शीट का टोटल 602 और 490 मिला। ध्यान दो, अभी सोर्स ऑफ फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है और 9% प्रेफरेंस। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड डिसाइडेड टू अमालगमेट, तो पी और क्यू दोनों ओल्ड है, ओल्ड कंपनी। ठीक है, आगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 10% डिबेंचर है, ट्रेड पेएबल है, टैक्स प्रोविजन है, ऐसा करके टोटल एप्लीकेशन ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंटरी कैश एंड बैंक एंड टोटल। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2016 ऑफ अ न्यू कंपनी आर लिमिटेड। अच्छा, तो न्यू कंपनी आर लिमिटेड है, ठीक है, which was formed to take over the business of both the company and took over all assets and liability. तो ये सभी assets and liability को लेके जाने वाला है। देखते क्या बोला है, 50% debenture are to be converted into equity shares of the new company. तो जो 50% debentures है ना, are to be converted into the equity shares of the new company. मुझे लगता है इसमें जर्नल इंडिया अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब 50% debenture को equity shares में convert करने का new company के। मुझे बताओ ये कौन करता है ये transaction? कन्वर्जन का ये ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यू कंपनी करेगा अपने बुक में, बराबर ना? तो जब न्यू कंपनी अपने बुक में करेगा तभी हम लोग बात करेंगे उसमें क्या है। टोटल 160 है तो 80,000 कन्वर्ट कर देने का आगे। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन करंट इन नेचर, ठीक है। फिक्स असेट ऑफ पी लिमिटेड आर वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट एंड दैट ऑफ क्यू लिमिटेड एट 5% अबव कॉस्ट। तो फिक्स असेट को वैल्यू करने का 10% पे, फिक्स असेट मतलब कौन से पी लिमिटेड के, मतलब पी लिमिटेड के फिक्स असेट को 10% से बढ़ाने का, बराबर, और क्यू लिमिटेड के फिक्स असेट को 5% से। 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल वे डाउटफुल फॉर बोथ द कंपनी, इन्वेंटरीज टू बी कैरीड एट कॉस्ट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिस्चार्ज बाय इशूइंग इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट पार में, बोलो मैं बोलो कुछ स्टेटमेंट ऑफ पीसी बनाने का। अब देख दोनों है ना, पेमेंट टू 9% क्या दे रहे हैं उनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे डिस्चार्ज बाय इशूइंग इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट पर। अच्छा, मतलब उनको ना सेम चीजें देने हैं, समझ में आया, 60,000 मतलब 60,000 को 60,000 देने का और 40,000 को 40,000, टोटल 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100,000 हो गया, बोल बोल बेबी बोल, इसमें कोई रॉन्ग है? आगे, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द ट्रांसफरर कंपनी आर टू बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच ऑफ द न्यू कंपनी at a premium of 5%. Equity shareholder of both the transferor company, मतलब old company, ought to be discharged by issuing equity share of rupees 10 each of the new company at a premium. मतलब आपको equity share issue करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या दे रहे हम लोग इनको, इक्विटी शेयर देंगे ऑफ रुपीज 10 ईच
एट रुपीज 15 पर शेयर, मतलब 5 रुपया प्रीमियम में कितना दिया? नहीं दिया, तो अभी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट असेट। एग्रीड वैल्यू में सबसे पहला बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाने का है तो 120, 1,20,000 का 10% बढ़ाएगा तो 1,32,000 आ रहा है, और उसका 5% से एक लाख 5,000 बराबर। फिर प्लांट एंड मशीनरी, इसका 10% से 1,60,000 का 10% 1,76,000, और 1,40,000 का 5% 1,47,000। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना फिक्स असेट, समझा ना। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इसका 90,000 है और इसका 70,000 है, और आरईडीडी हम लोग बाद में चार्ज करेंगे। इन्वेंटरीज इसका 72,000 है और इसका 80,000, समझा। फिर कैश बैंक, $80,000 and $50,000, सिक्स लैख थर्टी। पांच लाख दो, टेन परसेंट डिबेंचर, कन्वर्जन है भाई 50,000 और 30,000, समझा ना। ट्रेड पेबल 50,000 and 30,000। फिर टैक्स प्रोविजन 14,000, 8,000, हाँ। और एक, और एक या और एक परचेज कंसिडरेशन में आपको लेस करना पड़ता है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, वीएस। बट
बट वो लाइबिलिटी का पार्ट नहीं, उसको अलग से करना पड़ता है. डोंट वरी, मैं करता हूँ. इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, बराबर है ना? मतलब तो उनके डिबेंचर का पेमेंट कितना बनता है? 50,000, बराबर है. पांच लाख सोल ए ए ए और एक गलत. क्यों मालूम है? क्या बोलो? आरईडीडी. छोटा सा गलती पर बहुत बड़ा मिस्टेक. डेटर कितना है? 90,000 ना, तो 90,000 का 10% 9,000, और इसका डेटर 70,000 ना, तो उसका 7,000. अब ये एकदम बराबर है. एक लाख 23. कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे भी करते हैं लेस, चलेगा, बट अलग से दिखाओगे तो अच्छा रहता है. कोई फर्क नहीं है, चलेगा, बट कैसा अपने को पहले से मतलब वो सिस्टमेटिक लगता है ना, तो इसके लिए अपने साथ. नेट असेट फॉर ऑल शेयर होल्डर, ये सभी शेयर होल्डर का नेट असेट है. पहले इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का भी आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी आता है. ये बराबर है. अब उसमें से ना प्रेफरेंस शेयर का ऑलरेडी सेटलमेंट हमने कर दिए. प्रेफरेंस शेयर का ऑलरेडी हमने सेटलमेंट कर दिया. सेम इसमें नेट असेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 4,47,000. और इसका 3,87,000. प्लस 4,47,000 डिवीजन 15, तो 55,600 टोटल शेयर देंगे. अब टोटल करो तो वही आएगा ना यार, 60,000 पर 4,47,000, तो 5,07,000 जो पहले ही आ रहा था, आया था ना इधर. मैंने सिर्फ इक्विटी शेयर का आपको बताया बस. थ्री लाख 87 प्लस 40,000 4,27,000. या कपी सी है, हो गया. समझ में आया? हो गया. और क्या अभी क्या करना है? अभी बस एंट्री पास करो, और कुछ करना ही नहीं है बॉस. प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाना है तो मैं आपको एक गुडविल और कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली अभी कैलकुलेट करके देने का काम करता हूँ. ठीक है, डायरेक्टली गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको कैलकुलेट करके देता हूँ. टोटल असेट बोलो. टोटल
टोटल असेट, टोटल नेट, टोटल असेट कितना आता है? सिक्स लैख थर्टी, ये बराबर है। प्लस टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी 1,23,000 और 75,000। ये नेट ऐसे ये 5,07,000। अब देखो तो सर मैं क्या बताऊं, ये 4,27,000 लेस परचेज कंसिडरेशन। कितना परचेज कंसिडरेशन? शायद डिफरेंस नहीं आएगा, मुझे लग रहा है डिफरेंस नहीं आएगा। रॉन्ग तो नहीं करूं? शायद डिफरेंस नहीं आया क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में उतना ही आ रहा है। अब चाहो तो एंट्री पास करके इसको देख दो, सबसे बेस्ट तरीका एंट्री पास करके करना। क्या करने का मालूम है? एक सेकेंड एंट्री पास कर लेने, कभी भी है ना जब वो बोलता है ना कि आपको ऐसे करना है तो सीधा ना सेकेंड एंट्री से पास कर, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं थोड़ा आपको एंट्री फॉर्म में बताता हूँ। क्या करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो टू, मतलब पूरा असेट अकाउंट डेबिट करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है? 1,32,000 और 1,05,000, तो 2,00,000 इतना बराबर। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, दोनों का डेबिट करो, थ्री लैख 23,000। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करो, फिर इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, वन लाख 52,000, दोनों का मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ दोनों का अलग से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो अच्छा रहता है क्योंकि अपने को जानना होता है कि क्या है, कोई डिफरेंस है क्या, बराबर ना? वो भी बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 90 प्लस 70, 1,60,000। फिर कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000, 1 लाइन छोड़ के 2 RDD अकाउंट 16,000,
10% डिवेंचर 80,000 टू ट्रेड पेबल 80,000 टू टैक्स प्रोविजन 22,000 टू बिजनेस परचेज दोनों का बोलो 9,34,000 अब देखो हो गया टैली हो रहा है मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है फिर डिस्चार्ज करो डिस्चार्ज में क्या एंट्री पास करोगे डिस्चार्ज में तो इक्विटी शेयर आपने इश्यू किया हुआ है बराबर ना तो लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट मतलब देखो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम वो पास कर देना फिर हाँ आप प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू कर रहे हो ना हो गया बस इतना ही है और लास्ट में कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन का भी एंट्री आप पास कर देना इज दैट क्लियर तो वो सब टैली हो जाएगा कन्वर्जन में क्या करना है सिंपल है 50% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 समझ में आया और पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर भी कर दो 80% डिबेंचर वही 9% debenture of old company account debit 80,000 to 9% debenture of new company account debit 80,000 उसके बाद टैली हो जाएगा सम एकदम सिंपल है ये आया नहीं है कभी एग्जाम में बट ये है सम्स चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो अभी सॉरी नॉट 22 17 ना तो अभी 18 देखो क्वेश्चन नंबर और इसका आपको बैलेंस शीट बनाना है अभी और याद रखना जब उसने से बैलेंस शीट पूछा ना तो सेकंड का सिर्फ एंट्री पास करो सेकंड स्टेप का ना न्यू कंपनी में एंट्री पास करो एज अ वर्किंग नोट तो उसमें आपको डिफरेंस है ना कैपिटल रिजर्व कुछ मिलेगा ओनली फॉर दैट पर्पज बाकी किसी जरूरत नहीं है KNL लिमिटेड करके देखो एक कंपनी है इसका बैलेंस शीट है 1871375 एंड 1207175 अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी LK मतलब ये दोनों ओल्ड है और एक नया कंपनी बनेगा LK जो न्यू है गुडविल है लैंड एंड बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी है फर्नीचर एंड फिटिंग्स है ट्रेड रिसीवेबल है
फिर स्टोर्स एंड इन्वेंटरी है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, फिर इक्विटी शेयर है, 7% प्रेफरेंस शेयर है, फिर 5% डिबेंचर्स है, सिक्के में एल में नहीं है, फिर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर ट्रेड पेबल है, सिक्योर्ड लोन है, टर्म्स ऑफ अमल कमीशन आर इज अंडर एजम्पशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी, मतलब सब असेट सब लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं, इश्यू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच इन एलके लिमिटेड एट ₹18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, समझा गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बा। अब देखो क्या बोले, फॉर ईच प्रिफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी, मतलब अब पहला पेमेंट किसको कर रहे हो, ठीक है, अब कितना प्रिफरेंस शेयर दोगे, अब ये मगजमारी का काम है। अब देखो, इश्यू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच इन एलके लिमिटेड एट ₹18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, मतलब ये ₹14 में 18 पेड अप है। देखो एक तो शेयर ₹20 का है, ये उसका फेस वैल्यू है, बट पेड अप वैल्यू है ना ₹18, और इसी में ₹4 सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब ₹14 फेस वैल्यू है सिंपल में, समझा गया। अब देखो देने का है उसको ना के लिमिटेड, कितना प्रिफरेंस शेयर, सेम प्रिफरेंस शेयर लगता है ना, तो ₹4 सिक्योरिटी प्रीमियम रहने देना, बता के रख, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है तो अपने को इसका उस हिसाब से एंट्री भी पास करना पड़ेगा, तो बता के रख दिया, बाकी कुछ इतना ये बड़ा इशू नहीं है, के लिमिटेड। हाँ अब देखो, 5 प्रिफरेंस शेयर एलके लिमिटेड का, 5 प्रिफरेंस शेयर ऑफ फॉर ईच प्रिफरेंस शेयर, मतलब के लिमिटेड का एक प्रेफरेंस शेयर के सामने, एलके लिमिटेड ओल्ड कंपनी का एक प्रेफरेंस शेयर के सामने, देखो ये न्यू है ये ओल्ड है, ओल्ड के एक प्रेफरेंस शेयर के सामने न्यू 5 प्रेफरेंस शेयर देगा, तो ओल्ड के पास कितना प्रेफरेंस शेयर है, ₹100 का एक है, तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, के 20,000 प्रेफरेंस शेयर देने को रेडी है, बराबर। अब एल लिमिटेड में सेम, सेम एक के सामने 5, तो उसके पास 3,000 है, तो मैं 15,000 दूंगा, तो 20 बार 35,000, बट एक ₹18 का, मतलब 20,000 × 18 360,000, और 15,000 × 18 2,70,000, ये समझ में आया। ओके ओके सुनो सुनो सुनो, मैंने ग्रामर गलत पढ़ा, सुनो सुनो मैंने ग्रामर गलत पढ़ा है, 18 पेड अप करना है बट प्रीमियम ₹4, मतलब टोटल ₹22 में ले रहे, सॉरी सॉरी, यस यस, जो आपने बोला ना मैं तभी इग्नोर किया आपके बात को, मैंने ग्रामर पढ़ने के बाद मालूम पड़ा, ₹18 पेड अप है एट द प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, मतलब वो 22 में इशू कर रहा है, मतलब 20,000 × 22 ₹4,40,000,
15,000 इंटू 22 3,30,000 यस दूसरा पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अब इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करते इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच इन एलके लिमिटेड एट रुपीज 18 पेड अप एट द प्रीमियम ऑफ 4% मतलब 22 फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी इन एडिशन पहले वो इक्विटी शेयर दे देता सुनो सेम हा मैं 6 इक्विटी शेयर दूंगा उसके एक मतलब के के एक के सामने 6 इक्विटी शेयर दूंगा तो के पर कितना इक्विटी शेयर है 8,000 है तो मैं 48,000 देता हूं ना तो 48,000 इंटू 22 बराबर है अब एल के एल में सेम बट उसके पास 3,000 है इंटू 22 3,96,000 तो 48 + 18 तो 66,000 इक्विटी शेयर देने का ओके साथ में और भी कुछ है साथ में इन एडिशन इसके अलावा नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी कैश भी भरना है पर कितना नेसेसरी मतलब बैलेंस शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी एज इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी इन अकॉर्डिंग विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द अभी इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से देना पड़ेगा अपने को पता नहीं है कितना ठीक है भाई तो पीसी दिया क्या देख ले क्या एटलीस्ट पीसी भी मिल गया तो मैं भी क्या कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लूंगा वो भी नहीं है तो फिर अभी अपने को जाना पड़ेगा ये बराबर है किसका दो हाँ के और एल असेट्स में अब असेट्स के लिए ना क्या करना पड़ेगा मालूम है डिबेंचर पहले भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इश्यू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिबेंचर इन एलके लिमिटेड एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द 5% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ओवर 5% डिस्काउंट पे इश्यू करने वाला है वो लोची का काम है तो मुझे तो पहले डिवेंचर को सेटल करना चाहिए और मैं निकला हूं इसका सेटल करने क्या है सिर्फ डिबेंचर है ना इसका ही है किसका के लिमिटेड का ही है तो कितना देंगे देखा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% मतलब देखो पहले वो कितने परसेंट वाला डिबेंचर है 5% वाला डिबेंचर है कितना रुपए 5% डिबेंचर मतलब 2,00,000 एज इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ओवर तो आफ्टर टेक ओवर 5% डिस्काउंट हो गए रहे तो वो पे कितने में करने वाला है अभी अपने को वो देखना पड़ेगा
बट वो डिस्काउंट पे देने वाला है, समझा क्या? कितना परसेंट डिस्काउंट? 5% डिस्काउंट, मतलब वो डिस्काउंट पे देने वाला है, मतलब वो तो 2 लाख में देगा ना। इश्यू ऑफ सच अमाउंट ऑफ ओनली पेड 6% डिबेंचर इन एलके लिमिटेड एज इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज बराबर से वर्ड को अपने को पढ़ना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इश्यू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिबेंचर इन एलके लिमिटेड एज इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज द 5% डिबेंचर ऑफ के लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ऑफ। इसका 5% डिस्काउंट, तो यह आएगा 90,000। देखो ये फुल्ली पेड डिबेंचर इशू कर रहा है, आई एम नॉट कन्विंस विद दिस, क्योंकि मैं इधर देखो क्या बोल रहा है ना, वो बोलते हैं मैं फुल्ली पेड डिबेंचर इशू करने वाला हूँ। फुल्ली पेड मतलब 100 रुपए, मतलब वो तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रहा है, इतना है कि वो सामने वाले को कम रुपया देने वाले, मतलब 1,90,000 रुपया देने वाले सिंपल में। ठीक है, अभी ना थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। देखो इश्यू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिबेंचर इन एलके लिमिटेड एज इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज 5% डिबेंचर, मतलब 5% डिबेंचर मतलब 2,00,000 रुपया होता है, उसको 5% डिस्काउंट मतलब 1,90,000 रुपए दूंगा, बट मैं फुल्ली पे डिबेंचर दूंगा, समझ में आया, मैं उसको फुल्ली पे डिबेंचर दूंगा। नंबर 3, अब क्या करना है मालूम है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट करना है, उसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ेगा जो आगे का है। के लिमिटेड एल लिमिटेड, अभी देखो वो क्या बोल रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल। देखो अभी इन्वेंटरी में से 2% लेस करने का और ट्रेड रिसीवेबल में से 2.5% लेस करने का, बराबर है। फिर इंटर कंपनी डेट है, बराबर है। फिर उसके बाद आपको ना नेट असेट मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, नेट असेट, बस वो नेट असेट लिखो, उसमें से आपको जो नेट असेट आएगा, प्रिफरेंशियल वगैरह कुछ लेस मत करो, जो सीधा नेट असेट आएगा ना वो नेट असेट सीधा यहाँ पे लिखो, सब मिल गया तो जो आपको मिलेगा वो सिर्फ कैश रहेगा, समझ में आया, एकदम सिंपल है ये। चलो एक बार मैं करके दे देता हूं, असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल फॉर विच, वो असेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, मतलब वो सब असेट्स और लायबिलिटी लेके जा रहे हैं, इसका मतलब गुडविल भी लेके जा रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, सेम आएगा 60,000-20,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल, अब चाहो तो इधर से ही माइनस कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो एक सम्स करते हैं जो यही पे माइनस करते हैं, चलो इनटू 2.5
260 at 125 और उसका 170625 इन्वेंटरी को तो आपको यही से माइनस करना पड़ेगा 2% ना, तो इन्वेंटरी 2% लेस करेगा तो 220500 और इसका 137200 फिर कैश एट बैंक 1,20,000 फिर 55 कैश इन हैंड 41375 आएगा 18,60,000 और यह आएगा 12,00,000 देखो एक बार चेक कर लो अब उसके बाद लायबिलिटी में क्या क्या है, एक तो है आपका 5% डिबेंचर जो 1,90,000 पे डिस्चार्ज होगा, फिर उसके बाद है ट्रेड पेबल 1,00,000 और 2,10,000 फिर सेक्योर्ड लोन 2,00,000 तो नेट असेट आ गया आपको 18,60,000 माइनस 2,90,000 15,70,000 7,90,000 बस ये जाओ लेके जाओ 15,70,000 माइनस और ये 7,90,000 15,70,000 में चार लाख चालीस हजार माइनस 10,56,000 तो 74,000 का कैश दे दिया और 7,90,000 में 3,96,000 3,30,000 तो 64,000 का कैश दे देंगे हो गया। अब बनाने का क्या वो देख लो, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड, वो इंटर कैंसलेशन ऑफ इंटर कम्युनिकेट कर दो। द एल के लिमिटेड इज टू इश्यू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर of rupees 20 each at rupees 18 per share at a premium of 20 rupees so as to have sufficient working capital, underline karke likho fresh issue aur banane ka kya hai, prepare necessary ledger account in the books of K limited and L limited, okay tumko hai na do bar ledger account banane ka, ek K limited mein aur ek L limited mein, aaram se fursat mein baith ke banao, वो भी मतलब ओल्ड कंपनी में बनाने का है तो ओल्ड कंपनी का तो जो स्पेसिफिक स्टेप्स है वही तो फॉलो करना है, दूसरा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समझा बात को। समझा तो ये तो आप कर ही सकते हो। 19th मेन अलग कंसेप्ट समझ में गया ना आपको तो फिर तकलीफ नहीं हो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो,
सिंपल सम्स है, अभय लिमिटेड एंड आशा लिमिटेड वाला सम्स। ध्यान दो, अभी अभय लिमिटेड और आशा लिमिटेड वाला सम्स है। अभी बोला क्या, शेयर कैपिटल में अभय का 15 लाख है और उसका 10 लाख है, फिर जनरल रिजर्व है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, फिर कंटिजेंसी रिजर्व है, फिर 12% डिबेंचर है, क्रेडिटर है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल है, इन्वेंटरी है, लेटर है और बैंक है। दे डिसाइडेड टू मर्ज एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी अभिलाषा लिमिटेड। तो अभी अभय लिमिटेड और आशा लिमिटेड दोनों ओल्ड कंपनी, और एक नया कंपनी बनेगा अभिलाषा लिमिटेड। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कंबाइंड शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, ऑल अदर रिजर्व आर टू बी इग्नोर फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अभय लिमिटेड इज 2,75,000 एंड मैसेज आशा लिमिटेड का है एवरेज प्रॉफिट 1,75,000। तो गुडविल का अपने को वैल्यूएशन करना पड़ेगा सबसे पहला, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंटरी ऑफ बोथ द कंपनीज टू बी वैल्यूड एट 10% ऑफ अ बुक वैल्यू और डेटर में से 10% लेस, 12% डिबेंचर टू बी रिडीम बाय द इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अभिलाषा लिमिटेड एट अ, देखो 12% डिबेंचर को रिडीम करने का उसके लिए 12% प्रेफरेंस शेयर देने का, ये अलग ही थोड़ा। Sundry credited to be taken over at book value. There is an unrecorded liability of 15,000 of Messrs. Asha Limited as on 1/4/2015. ये unrecorded liability है, तो unrecorded liability भी तो अपने कुछ करना पड़ेगा। कितना 15,500 का unrecorded liability। बैंक बैलेंस ऑफ बोथ द कंपनी टू बी टेकन ओवर बाय मैसेज अभिलाषा लिमिटेड आफ्टर डिडक्टिंग लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ 60,000 टू बी बॉर्न बाय अभय लिमिटेड एंड आशा लिमिटेड इन अ रेशियो ऑफ 2:1। बैंक बैलेंस है ना बोथ, दोनों कंपनी का लेके जाएगा, बट उसमें से 60,000 रुपए लेस करना पड़ेगा बैंक बैलेंस में से, समझा। तो एक में से 60,000 ना, तो 3:1 में डिव करना है, 2:1 में। Compute the basis on which shares of Abhilasha Limited are to be issued to the preference shareholder, to the shareholder of existing company, assuming that the nominal value of share is 100. ठीक है। सबसे पहला ना अपने को ना goodwill का valuation करना चाहिए। देखो अभय आशा, सुपर प्रॉफिट मेथड में ना गुडविल का फॉर्मूला आता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये तुमको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा गुडविल। टू इयर्स परचेस, अब अपने नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया है ना, एवरेज प्रॉफिट, अच्छा एवरेज प्रॉफिट दिया है 2,75,000 और 1,75,000। अब क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट ना, तो यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ कंबाइंड शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व।
मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितना है? ये तो मैंने आपके लिए लिखा, बोलो शेयर कैपिटल अभय का कितना है? 15 लाख, और इसका 10 लाख, प्लस जनरल रिजर्व कितना है? 2,75,000, प्लस 1,25,000, टोटल 10%। अब क्या बोला इसने? 10% इसका इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। ₹1,775,000, ₹1,12,500, ₹1,95,000। ₹1,75,000 माइनस 1,12,500, 62,500। ₹1,25,000 हो गया, समझा कि नहीं? तो मैं आपको ये सब है ना हेल्प करूंगा, बराबर से एकदम बराबर से आपको बना के दे सकता हूँ। अब उसके बाद क्या बोला है? अभी तो दे सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है अभय के लिए आशा के लिए, और इक्विटी शेयर ही देना। अब ठीक है भाई, पीसी दे दे। नहीं दिए पीसी, थ्री हो जाएगा। अब पीसी बनाना, अभी पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना अपने, क्योंकि पीसी तो नहीं दिए। अब चलो पीसी देखते हैं। असेट, असेट में सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, ₹8,50,000। दूसरा कुछ वैल्यू है क्या? देख लो एक बार। हाँ, 10% अबाउ द बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंटरी को 10% ऐसा बोला है, बराबर है दोनों ना? दोनों 8,50,000 इंटू 10% तो 9,35,000, 5,75,000 इंटू 10% तो
तो 632 फाइनल। फिर प्लांट एंड मशीनरी 10% ना, तो 3,45,000 इनटू 10% 379 फाइनल। 2,25,000 इनटू 10% इनटू 47 फिर उसके बाद गुडविल, तो अपना आ गया है नया वाला, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है 1,95,000 है और इसका 1,25,000 ये गुडविल हो गया। फिर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी भी 10% से बढ़ाने का है ना, तो 4,20,000 तो 4,62,000 और इसका 2,64,000। फिर डेटर, डेटर में से तो यार कम करना पड़ेगा नहीं, डेटर 3,05,000 इधर ही कम कर देना उसमें क्या, हाँ चलेगा बब्बा चलेगा, तो 274,500 तो फिर बैलेंस शीट में दिखाने का जरूरत नहीं है। 2,85,000 आएगा 256,500 और जब बैंक की बारी आती है तो आपको थोड़ा आराम से सोचना है, टोटल लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है 60,000। अब इसको 3:2 में अगर डिवाइड करो, टू इज टू वन में अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 40,000 और 20,000, मतलब इसका जो बैंक है ना 1,80,000 उसमें से 40,000 माइनस करने का तो 1,40,000 और इसका जो है ना उसमें से 20,000 तो 25,000 ऐसा है माजरा। समझ में आया? ₹15,50,000 बराबर। एंड नंबर टू, अब लायबिलिटी, लायबिलिटी में बोलो क्या क्या है। लायबिलिटी में डिबेंचर है ना, हाँ बट डिबेंचर को आप कुछ तो दे ही रहे हो ना, सेटलमेंट तो बाद में होगा पर पहले आप दोगे ना, तो डिबेंचर को क्या दे रहे हो इसका नहीं है, तो कितना परसेंट दे रहे हो 10% दे रहे हो, तो 2,50,000 2,75,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर इसका 55,000 ही है, बट आपको मालूम है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, किसमें मालूम है, आशा में, तो टोटल 35,000 + 15,500 50,500। इज दैट क्लियर? $325,500 12,25,000
ये तो लिखने गए उधर और क्या हो गया यही तो है में इशू कर रहा है शेयर 355 600 शेयर्स हो गया बोलो समझा कि नहीं समझू समझा अब क्या करना है आपको अभी आपको जर्नल एंट्री पास करना है क्योंकि उसने बोला है ड्रॉ ऑफ द बैलेंस शीट तो अभी आपको जर्नल एंट्री पास करना है जर्नल एंट्री आप रफ में पास करो चलेगा मैं तो बोलता सिर्फ सेकंड एंट्री पास करो हाँ पर जो डिबेंचर का जो पेमेंट कर रहे हैं इस बार आप है ना डिबेंचर को डिबेंचर नहीं दे रहे हो इस बार आप डिबेंचर को 12% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो समझे क्या डिबेंचर को आप 12% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो मैं डिबेंचर का आपको एंट्री पास करके देता हूं स्टेप नंबर वन क्या है नंबर फोर जर्नल एंट्री स्टेप नंबर वन रिकॉर्ड ऑफ पीसी सेम स्टेप नंबर टू असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू सेम स्टेप नंबर थ्री डिस्चार्ज ऑफ पीसी सेम मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा उसमें फिर स्टेप नंबर फोर कैरी फॉरवर्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है फिर स्टेप नंबर फाइव पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर ये नहीं है स्टेप नंबर फाइव पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर है ना तो पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर का एंट्री पास करके देता हूं मैं क्या आएगा इसका एंट्री देखो कितना परसेंट डिबेंचर है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 275,000 टू तो कितना परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपए का एक है ना हो गया इतना ही है ये तो आप कर ही सकते हो इज दैट क्लियर तो बस इतना सा है आगे आप कैरी करो आपका इजीली खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन मई 2015 में 16 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है आप इसको कर सकते हो ठीक है ये 19 था बराबर
अब चलो क्वेश्चन नंबर 20 में। देखो दो कंपनी का बैलेंस शीट है, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं 2016 में 16 मार्क के आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015। ए लिमिटेड में पेटेंट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। और लायबिलिटी में देखोगे तो इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ठीक है, और जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सन्ड्री क्रेडिटर। और बी लिमिटेड में गुडविल है, मोटर कार है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक है, क्रेडिटर है, प्रॉफिट एंड लॉस है एंड सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है। इट हैज बीन एग्रीड दैट बोथ दिस कंपनी शुड बी वाउंड अप एंड अ न्यू कंपनी एबी लिमिटेड वाली फॉर्म। समझा बात को? तो ए लिमिटेड का बैलेंस शीट अलग से दिया है, बी लिमिटेड का बैलेंस शीट अलग से दिया है, ये दोनों ओल्ड कंपनी है और दोनों अमालगमेट करेंगे, एक नया कंपनी बनाएंगे एबी लिमिटेड। शुड बी फॉर्म टू एक्वायर द असेट्स ऑफ बोथ द कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। एबी लिमिटेड इज टू हैव एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 36 लाख। एबी लिमिटेड के पास ऑथोराइज कैपिटल होगा 36 लाख का, जिसमें 60,000 8% वाले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे और जो 10 रुपए का एक होगा, और 3 लाख इक्विटी शेयर होगा जो 10 रुपए का एक होगा। एबी लिमिटेड इज टू परचेज द होल ऑफ असेट ऑफ ए लिमिटेड एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। एबी लिमिटेड बोलता है मैं पूरा बिजनेस खरीदूंगा 28,25,000 में, बट मैं कैश बैंक को नहीं लेके जाऊंगा। चलो एक ए लिमिटेड का कैश बैंक को क्रॉस करो और वो 28,25,000 रुपए में ऐसे दूंगा, 5,75,000 कैश में दूंगा और जो बैलेंस बचेगा उसके लिए मैं इक्विटी शेयर्स दूंगा पर 12.5 रुपए में, ठीक है। और एबी लिमिटेड बोलता है मैं बी लिमिटेड का पूरा असेट लेके जाऊंगा 4,91,000 में, बट कैश बैंक नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो कैश बैंक को कैंसिल कर दो बैलेंस शीट में जाके, उसके लिए 16,000 रुपए कैश दूंगा और 38,000 इक्विटी शेयर्स दूंगा। A limited and B limited both to be wound up. The two liquidator distributing the shares in AB limited in kind among the equity shareholders of the respective company. So liquidator आएगा, सबका पैसा बराबर से देगा। Liquidator of A limited is to pay the preference shareholder 12 in cash for every share held in full satisfaction of their claim. So liquidator क्या बोलता है कि जो preference shareholder बचते हैं ना उनको मैं equity share देता हूँ ना, नहीं उनको मैं 12 रुपए cash में देता हूँ ना। अरे समझा क्या? 12 रुपए कैश में देता हूं, मांगता है तो वो लेके जाने को बोल उसको। अरे इज दैट क्लियर? 12,000 रुपए कैश में देने के लिए तैयार है वो। समझा क्या? अभी हुआ क्या है ना, वो बोलता है एबी लिमिटेड टू परचेज द होल ऑफ द असेट्स ऑफ ए लिमिटेड। इसका मतलब क्या मालूम है? उसी पे ना ए लिमिटेड का असेट लेके जा रहा है, मतलब लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो नहीं बोला है तो अपने पास दो चॉइस है, या तो हम लोग एज्यूम करें कि टेकन ओवर, या तो हम लोग एज्यूम करें कि इट इज नॉट टेकन ओवर। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि इट इज नॉट टेकन ओवर। And liquidator of A limited is to pay the preference shareholder rupees 12 in cash for every share held in full satisfaction of their claim. I'm searching, something is wrong there in the question. देखो अभी
लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड इज टू पे द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी देखो ए लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसका पेमेंट का तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो बोल रहा है कि उसको हम लोग 12 रुपया कैश में दे देंगे, उसको हम लोग 12 रुपया कैश में दे देंगे। समझा बात को, तो 12 रुपया हम लोग कैश में दे देंगे, ऐसा वो बोल रहा है। दूसरा, एबी लिमिटेड इज टू मेक पब्लिक इश्यू, एबी लिमिटेड इज टू मेक पब्लिक इश्यू ऑफ 60,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो ये फ्रेश इश्यू हो गया, और 30,000 इक्विटी शेयर, तो ये तो सब फ्रेश इश्यू वाला काम है। इट इज एस्टिमेटेड एट द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 10,000 रहेगा ए के, और बी का 5,000 रुपए रहेगा, एंड डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ए बी लिमिटेड का 24,000 रुपए होगा, और अंडर राइटिंग कमीशन 38,900। अभी लिक्विडेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग ही पे कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो हम लोग ये सब एजम्पशन है, तो अपने को करना पड़ेगा। अभी देख, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इज दैट क्लियर? अब चलो, दो कंपनी है ना, तो दोनों कंपनी के लिए ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ठीक है? ठीक है, अब क्या दे रहे हैं इनको हम लोग? पहली बात तो हमने इनको पूरा 28,25,000 में खरीद लिया। अब 28,25,000 के लिए हम लोग क्या देंगे इसको, इक्विटी शेयर होल्डर को? सबसे पहला कैश देंगे 5,75,000, और बचा हुआ जो है ना उसके लिए इक्विटी शेयर देंगे ऑफ ₹10 ईच। न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर देखने का, देख जो ऑथराइज कैपिटल में इक्विटी शेयर है ना 10 रुपए का ना, तो वही न्यू कंपनी का, एट ₹12.50 पर शेयर। कितना शेयर दे रहे? 1,80,000। देखो 1,80,000 इंटू 12.5, तो ये 22,50,000। अब इन दोनों को ऐड करो, है ना 28,25,000। फिर अब इसका बोलो, इसका भी सेम 16,000 रुपए कैश में मिलेगा, और बचा हुआ 38,000 इक्विटी शेयर। तो एक्चुअली है ना, देखो इधर एक्चुअली इधर दिखाना चाहिए, 1,80,000 इंटू 12.5 और 38,000 इंटू 4,75,000। अब इन दोनों को ऐड करो, तो देखो 4,91,000 आएगा। अभी जब इक्विटी शेयर लिख रहे हो तो दोनों का साथ में लिखो यार, 1,80,000 + 38,000 2,18,000। समझा? अब फॉर प्रिफरेंस शेयर होल्डर, मतलब पेमेंट टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रिफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करेंगे। अब प्रिफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं मालूम? हम लोग कैश दे रहे हैं। अब प्रिफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ एक है, एक के कितने प्रिफरेंस शेयर होल्डर है? 5,00,000 रुपए के डिवाइडेड बाय 10, मतलब 50,000, इसको 12 रुपया, तो ये 6,00,000 रुपए आएगा। इसके पास नहीं हो गया पीसी, ₹5,75,000 + 22,50,000 + 6,00,000, तो 34,25,000 ये हो गया, हो गया। अब दूसरा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनिशियल बैलेंस शीट ऑन द बेसिस दैट ऑल असेट अदर देन द गुडविल, मतलब वो सब असेट लेके जा रहे हैं, सिर्फ गुडविल लेके जा रहे हैं। मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके देता हूं, ठीक है? चलो, रिकॉर्ड ऑफ पीसी,
पेटेंट अकाउंट डेबिट, पेटेंट तो सिर्फ एक ही के पास है, 1 लाख। बराबर ना, फिर बिल्डिंग दोनों के पास है, नहीं एक ही के पास है, 5,40,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, 15,10,000, इसके पास नहीं है। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ए के पास भी है बी के पास भी है, 75+50 है, 1,33,000। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, दोनों के पास स्टॉक, इसके बाद 3,58,000 है और इसके बाद 2,40,000 है, मतलब 5,98,000। फिर डेटर अकाउंट डेबिट, दोनों के पास एडिट है, इसके पास 72,000 और इसके पास 70,000 है, तो 1,42,000। बराबर। फिर मोटर कार है ना इसके पास, बी के पास, मैं एक ही में ले रहा हूं, 1,26,000। गुडविल नहीं लेने का, उसने खुद बोला ना नहीं लेने का, तो नहीं लेने का। कैश बैंक भी नहीं लेने का, तो मैंने सब ले लिया क्या, देख लो, 1,2,3,4,5,6,7,8 टोटल है, टोटल 8 असेट है, 1,2,3,4,5,6,7,8 लग तो रहा है, ठीक है। तो लायबिलिटी नहीं लेके जा रहा है, ना ही क्रेडिटर इसका लेके जा रहा है, नाइक रेडर उसका लेके जा रहे, तो हम लोग एज्यूम करने वाले, तो बिजनेस परचेज अकाउंट, अब दोनों का बिजनेस परचेज बोलना पड़ेगा, 34,25,000 प्लस 4,91,000, 39,16,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, 1,00,000 + 5,40,000, 15,10,000, 1,33,000, 1,55,000, 5,98,000, 1,42,000, 1,26,000 - 39,16,000, 6,12,000 रुपए गुडविल आएगा। यस, गुडविल दिया है क्या, किधर देख लो यार। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड ऑन द बेसिस दैट ऑल असेट्स अदर देन द गुडविल आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, मतलब सभी असेट्स अदर देन द गुडविल आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। आना चाहिए, ठीक है।
ए बराबर है 1 लाख प्लस 5 लाख 40 प्लस 15 लाख 10 प्लस 75,000 प्लस 1,55,000 प्लस 3,58,000 प्लस 26,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 माइनस 39,000 बराबर है। मैंने पहला एंट्री पास ही नहीं किया ना, पहला एंट्री मैंने डायरेक्ट पास कर दिया ओरली। तो मैं बोल रहा था ना कि मैं जर्नल एंट्री पास करके दूंगा, बट मैं बैलेंस शीट के दिमाग के हिसाब से पास कर दिया। ठीक है, तो पहला एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, थर्ड एंट्री लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैश बैंक, इसका कितना है 34,25,000। अब इक्विटी शेयर कितना दे रहे हो आप, 2,18,000 इंटू 10 2,18,000 इंटू 2.5 5,40,000 6 लाख रुपया, 6 डिफरेंस ले लो ना, 11,91,000 यार है ना। नंबर 3 कैरी फॉरवर्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व तो ऐसा नहीं है, फिर डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर भी नहीं है, फिर फ्रेश इश्यू, बोलो क्या आएगा फ्रेश इश्यू का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 इंटू एट द प्रीमियम ऑफ 10%, अच्छा 60,000 इंटू एक प्रेफरेंस शेयर कितने का, 10 रुपए का, चल 3 चलने, और इक्विटी शेयर कितना इशू कर रहे हैं वो 30,000 इंटू 10 ये 3 लाख और ये 6 लाख। अब मैं बताओ प्रेफरेंस शेयर टोटल देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे टोटल खर्चा कितना आएगा देखना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे टोटल देखना खर्चा कितना आएगा, 30,000 इंटू 2.5 प्लस 10% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का 10% 1 रुपया ना, 30,000 इंटू 2.5 60,000 इंटू 1 तो 1,35,000 10,35,000। अब देखो ये अटकने लग गया,
एक सेकंड, ये पीसी थोड़ा हैंग हो गया। चलो बेटा, तो आपने ये कर दिया बराबर, फ्रेश इशू हो गया। फ्रेश इशू के बाद अंडर राइटिंग कमीशन होगा ना, अंडर राइटिंग कमीशन। कितना अंडर राइटिंग कमीशन? फाइव थाउजेंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 24,000 अंडर राइटिंग कमीशन, 38,900। कैश बैंक अकाउंट 38,900, 38,900। अब क्या बोला है मालूम है उसने? आप बराबर से देखो, एक्सक्लूसिव ऑफ द अंडररेटिंग कमीशन ऑफ 38,000 है पेबल ऑन पब्लिक इशू। मतलब अभी तक पेबल है, अभी तक पेबल है, मतलब पे किया नहीं है। तो मैं बोलू अदर करंट लाइबिलिटी, मालूम है ना, इसका तो अलग से हेडिंग भी है ना, तो ये पेड नहीं हुआ, अभी तक पेबल है। समझा? ये पॉइंट नंबर फाइव, पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये तो पेड हुआ है ना, 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्रेश इश्यूज तो सब किया, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। गुडविल अकाउंट डेबिट टू टेन थाउजेंड, 15,000। ठीक है, अब सब हो गया। कैंसलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड डेट, कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो सब खत्म हो गया। अभी आप बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, नोट लिखो। नोट नंबर वन, नोट वन, इट इज अज्यूम्ड दैट
creditor is not taken over by the new company. Underwriting commission is still payable. समझा? अब है ना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट तो आपका, अब देखो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो मेरे को उसमें क्या बताने कहना वो ये पॉइंट है, ये क्या है भाई? अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो देखो आपको देखो ये एक अंडरराइटिंग कमीशन है और एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये कहां पे लिखोगे? देखो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो अंडरराइटिंग कमीशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपको लिखना पड़ेगा, कहां पे लिखना पड़ेगा? अदर नॉन करेंट असेट में, अदर नॉन करेंट असेट में, बट नहीं लिखने का। याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है, क्या बोलता है कि अगर अंडरराइटिंग कमीशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब ऐसे कुछ अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखते तो आपको प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा, बट न्यू कंपनी का कोई भी प्रॉफिट नहीं है क्योंकि न्यू कंपनी अभी बना है। तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में अंडरराइटिंग कमीशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस में लिखेंगे अमाउंट, असेट में लिखोगे तो प्लस में लिखोगे, बट असेट में नहीं लिखना है। हम लोग लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे बट माइनस में, रिजर्व एंड सरप्लस बट माइनस में। समझ में आया? अजीत बात का ध्यान देना। ये 20 हो गया, अपने को करने का है। अब 21 देख लो, एक बार देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एग्री टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी पी क्यू लिमिटेड, ऑलरेडी हमने किया हुआ लगता है, मेरे को तो लग रहा है किया हुआ है। देख लो असेट्स को, बैलेंस शीट को पढ़ लो एक बार। PQ Limited took over the assets and liability of both the company at book value after creating 5%, मतलब क्या करने का मालूम है, स्टॉक को 5% कम करने का, डेटर को 5% कम करने का, एंड डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर और फिटिंग को 10% से कम करने का, प्लांट एंड मशीन को 10% से। फिर वो इंटर कंपनी डेट है, 25,000 रुपए जो दिया ना वो इंटर कंपनी डेट है, लिखो कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट। PQ Limited will issue, देखो PQ Limited बोलता है मैं 5 प्रिफरेंस शेयर इशू करूंगा जो 20 रुपए का एक होगा, 18 रुपया पेड अप होगा, 4 रुपया प्रीमियम पे। समझ में आया? समझ में आया? लिखो उधर होमवर्क। उम्र और लिखो मई 2017 में 16 मार्क के लिए आया हुआ समसे, सिंपल सिंपल समसे, सब एग्जाम में आया हुआ समसे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2003, असेट्स में गुडविल फिक्स असेट, गुडविल है 6 लाख और फिक्स असेट है 5 लाख, बराबर। एक्चुअली फिक्स असेट है 6 लाख और 8 लाख, फिर गुडविल है 5 लाख, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर करंट असेट है, फिर इक्विटी शेयर है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मतलब ये क्या हो गया स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर सन्ड्री क्रेडिटर, डी लिमिटेड टू कोवर वी लिमिटेड, तो डी लिमिटेड वी लिमिटेड को लेके जा रहा है। तो ये हो गया न्यू और ये हो गया ओल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर्स, तो शेयर्स वो सब इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन मेड टू फिक्स असेट बाय वी लिमिटेड इन द ईयर 97-2002 ऑन विच इनकम टैक्स रिलीफ हैज बीन अपडेट। इन द टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द कंपनी हैज टू कैरी फॉरवर्ड, अरे यार 2 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर द यूटिलाइजेशन, समझा गया? अरे सिर्फ 2 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व सिर्फ 2 लाख का ही है, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है।
investment of V Limited include 1000 shares in D Limited acquired at a cost of 150, the other investment have market value. तो वो इन्वेस्टमेंट है तो 190 to 500 में इन्वेस्टमेंट करना है, समझ में आया उसी तो इतना ही रे। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डी लिमिटेड टेकन ओवर एट 1 lakh, फिर उसके बाद क्या है, मतलब अपने को सिर्फ वी लिमिटेड पे सोचना है क्योंकि डी लिमिटेड वी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है ना, तो वी लिमिटेड के बारे में सोचो यार। फिर गुडविल है 5 lakh 1 lakh, फिर फिक्स एसेट है 6 lakh 8 lakh 50 हजार, फिर करंट एसेट है, करंट एसेट ऑफ डी इंक्लूडेड 80,000 ऑफ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव्ड फ्रॉम वी लिमिटेड एट कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट। क्या वो कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट, तो उसके लिए ये डिपेंड होता है कि आपके बैलेंस में क्या आएगा, गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व है, ये अपने को भी नहीं पता। इज दैट क्लियर? तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो आएगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड डेट, ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अपने को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस करना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल, बराबर ना। डी के स्टॉक में, डी के स्टॉक में कैसे 20 कॉस्ट प्लस 25, मतलब ये 100, ये 25, 125। अब डी के स्टॉक में 80,000 का स्टॉक इंक्लूड है, 80,000 का स्टॉक इंक्लूड है, तो डी के पास 80,000 का स्टॉक, मतलब उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, तो अभी अपने को निकालना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16,000 आएगा, हो गया। तो इसके लिए एंट्री क्या पास करोगे, जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अभी देखना पड़ेगा कि गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व, तो गुडविल आएगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। सर अभी स्टॉक अकाउंट तो नहीं है, तो स्टॉक के जगह पे करंट असेट अकाउंट लिख लेगा, सोलह हजार। क्लियर? लिखो ये मई 2004 में 16 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन, समझा कितना सम्स करवा रहा हूं देखो मैं, ये सम क्लियर हो गया ना आपका, तो मर्जर मेथड में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मर्जर मेथड में तो मैं इतना सम भी नहीं बताऊंगा आपको। अब देखो सम फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31st March 2006। असेट्स में बिल्डिंग है, मशीनरी है, दिख रहा है समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, यस। ये क्वेश्चन नवंबर 2006 में आया था 20 मार्क के लिए, तभी कंपलसरी क्वेश्चन में आता था ये। बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, गुडविल है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, फिर शेयर इश्यू एक्सपेंस है, फिर उसके बाद 8,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए का एक, फिर 10% डिवेंचर है, फिर लोन फ्रॉम ए, फिर क्रेडिटर है, फिर जनरल रिजर्व है। उसके बाद बी लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब ए लिमिटेड, तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को खरीद लिया, पहले भी हमने किया हुआ है। एक्सेप्ट ऑल असेट, सब असेट लेके जा रहा है, एक्सेप्ट बैंक बैलेंस एट दर बुक वैल्यू, मतलब एक्सेप्ट बैंक बैलेंस मतलब बैंक ने लेके जाएगा, कट करो बैंक ने लेके जाएगा, ऊपर बैंक जो दिया ना कट करो बैलेंस शीट में, लेस 10%, बाकी सब है ना 10% लेस करके लेके जाने वाले, बाकी सब वो 10% लेस करके लेके जाने वाले, मतलब बिल्डिंग में से 10% लेस, मशीनरी में से 10% लेस, स्टॉक में से 10% लेस, इसमें से 10% लेस। गुडविल का तो नया वैल्यू देखो बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग 8% ऑन कंबाइंड कैपिटल, अब ये मैंने किया हुआ है। बी इज टू टेक ओवर क्रेडिटर एट बुक वैल्यू, क्रेडिटर को भी लेके जा रहे हो,
समझ में आया। और उसके बाद देखो लोन फ्रॉम ए दिख रहा है, तो लोन फ्रॉम इंटर कंपनी लोन है, वो कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं आएगा। फिर परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन कैश, परचेज कंसिडरेशन में 6 लाख रुपए कैश में भरने का, और जो बचा बैलेंस है उसमें इक्विटी शेयर देने का। एवरेज प्रॉफिट 1,24,000, वो गुडविल के लिए आपको काम आएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस है 16,000 रुपया। बी लिमिटेड सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च 2000 से गुड कॉस्टिंग 1,20,000 टू ए लिमिटेड फॉर 1,60,000। तो 1,60,000 का गुड्स, 1 लाख, 1,20,000 का गुड्स 1,60,000 में बेचा, मतलब 40,000 का प्रॉफिट रहेगा बराबर। तो 40,000 का प्रॉफिट स्टॉक में से लेस करने का, सिंपल। 40,000 का प्रॉफिट स्टॉक में से लेस करने का। और सुनो, 1 लाख वर्थ ऑफ द गुड्स पर उसमें से सिर्फ 1 लाख का ही गुड्स अभी तक स्टॉक में है, तो अपने को सिर्फ 1 लाख का, 1 लाख का अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट। यस, तो कितना आएगा वो देखो, 1,60,000 के लिए 20,000 का, 40,000 का प्रॉफिट, तो 1 लाख के लिए कितने का प्रॉफिट? 1,20,000 कॉस्ट प्राइस है, तो 1,60,000 सेलिंग प्राइस है, मतलब 40,000 का डिफरेंस, 40,000 का प्रॉफिट। अच्छा, ये ऑलरेडी है, मैंने लिखा है। कैसे हो रहा है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल। तो कॉस्ट 1,20,000 है और 1,60,000 सेल्स है, तो प्रॉफिट कितना आया? 40,000। इसके ऊपर कितना आएगा? 25%। तो फिर 1 लाख की गुड्स है ना, तो 20,000 आएगा इनटू 30%। ₹25,000 आपको लेस करना पड़ेगा, समझा? फिर उसके बाद क्रेडिटर के अंदर डेटर इंक्लूडेड, तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा, 40,000। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नवंबर 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है? तो टेक दिस एज अ होमवर्क, आपका एकदम अच्छा प्रैक्टिस ही हो जाएगा, टेंशन ही नहीं होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 एक्चुअली लिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सन एंड मून लिमिटेड, ये ऑलरेडी हमने किया है लगता है, कहीं पे तो किया है।
देखो सन एंड मून लिमिटेड, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, फिक्स असेट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी है ना, सन एंड मून लिमिटेड 24 क्वेश्चन है बेटा ये। देखो अभी सन एंड मून लिमिटेड में क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट करंट असेट लोन से स्टॉक एंड सन्ड्री डेट, फिर इक्विटी शेयर है, फिर प्रेफरेंस शेयर है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व है, फिर जनरल रिजर्व है, फिर बिल रिसीवेबल है, कुछ ऐसा आगे कंटिन्यू है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व सब है। स्टार लिमिटेड नया कंपनी बनेगा, स्टार लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ सन लिमिटेड एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ मून लिमिटेड। शेयर्स को 30 रुपए में इशू करना है, बल्कि उसका फेस वैल्यू 10 रुपए रहेगा। प्रिफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनी आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर उनको देना है, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर 10% डिबेंचर होल्डर ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय स्टार लिमिटेड, मतलब उनके पास 10% डिबेंचर होल्डर है ना, उनको बुला के बोला देखो 10% पे जो इनकम मिलता था ना, वो आपको मैं ना 15% पे भी सेम इनकम लाऊंगा, सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सेम है ये, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व 4 साल के लिए और मेंटेन करने का, लिक्विडेशन एक्सपेंस 2 साल का है, और वो स्टार लिमिटेड खुद भरेगा बोलता है, सब असेट्स और सब लाइटी बुक वैल्यू में लेके जाने का, और बाकी तो रिस्क कैपिटल है, सेम उसने बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ। और ये क्वेश्चन नवंबर 2009 में पूछा हुआ है, 16 मार्क के लिए। Is that clear? यस बेटा, तो यहाँ पे हमारा परचेज मेथड खत्म हो गया, जो लास्ट के क्वेश्चन है वही मैंने सिर्फ आपको होमवर्क दिए, एक कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, और बाकी के आप 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा है रे, मतलब ये सॉल्व करने के बाद ही अभी आपको सिंपल लगेगा। अब भी हम लोग जो करेंगे वो मर्जर मेथड में करेंगे, कि मर्जर मेथड में क्या फर्क होता है। यस बेटा, मर्जर मेथड में अपने को कैसे सम्स को सॉल्व करना है, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे आपको मर्जर मेथड सिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मर्जर मेथड का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो चलो मैं आपको मर्जर मेथड सिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट डू मीन बाय मर्जर मेथड। इज दैट क्लियर? चलो मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज। चलो बेटा अब हम लोग मर्जर मेथड कर रहे हैं, अभी ध्यान से सुनना, मर्जर मेथड में होता क्या है। मर्जर मेथड थोड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। मैं आपको बोलूं, मैं आपका कोई भी मेथड है ना अभी चेंज नहीं करने वाला, सिर्फ ये सेकंड मेथड बताऊंगा, स्टेप्स में चेंज नहीं करूंगा। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर मेथड शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब जब मर्जर मेथड होना है ना, तो आपको ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना है, should satisfy all the following condition। अगर आप चाहते हो कि आपके merger method success हो, तो आपको ये पूरा condition satisfy करने का। Condition number one, एक example लेता हूँ, A limited और B limited, A limited ने B limited को खरीद लिया, तो ये new हो गया और ये old हो गया। अब देखना पहला condition, condition number one, assets and liability of old company is taken over by new company. Yes, yes, मतलब old new company, old company का सब asset लेके जाना चाहिए, सब मतलब सब। Is that clear? सर एक asset नहीं लेके जा रहे, तो ये merger method नहीं है, वो purchase method है। देखा, ऐसे identify करने का। अब merger method को आप समझ लो, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि दोनों में difference क्या है। कम से कम फॉर एग्जाम्पल बी के पास है ना 10 असेट है, 10 लाइबिलिटी, 10 के 10 असेट और 10 के 10 लाइबिलिटी लेके जाने का। सर एक असेट नहीं लेके गया, तो नहीं हो, तो फिर वो परचेज मेथड। जब तक हम लोग अभी तक जो हम लोग ने सम सॉल्व किया है वो, उसके बाद
सभी असेट्स और सभी लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे ही लेके जाने का, एग्रीड वैल्यू पे नहीं। अगर उसके बैलेंस शीट में बिल्डिंग 10 लाख है तो 10 लाख में लेके जाने का, एक्सेप्ट टू फॉलो फॉर कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन सर। क्या एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है कि ए लिमिटेड का फीफो मेथड है और बी लिमिटेड का वेटेड एवरेज मेथड है, तो बी लिमिटेड का वेटेड एवरेज मेथड को ए लिमिटेड के फीफो मेथड में कन्वर्ट करते समय जो प्राइस चेंज होगा वो चलेगा, बट बुक वैल्यू पे ही लेके जाने का। वो एक छोटा सा एक्सेप्शन है बस। ए लिमिटेड WD मेथड फॉलो करता है, बी लिमिटेड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करता है डेप्रिसिएशन के लिए, तो वो ए बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी के डेप्रिसिएशन मेथड को बी लिमिटेड ए लिमिटेड के डेप्रिसिएशन मेथड से मैच करने के लिए जो चेंजेस है वो चलेगा, उसमें प्राइस चेंज होता है तो चलेगा, बट बाकी सब असेट तो बुक वैल्यू पे लेके जाने। कंडीशन नंबर 1 ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी, कंडीशन नंबर 2 बुक वैल्यू पे, और कंडीशन नंबर 3 ध्यान देना, जब मैं कंपनी को खरीदने जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक व्हाट्सएप का यही अच्छा है, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, फेसबुक व्हाट्सएप का सब असेट और सब लाइब्रेरी लेके जाने का और बुक वैल्यू पे लेके जाना चाहिए, और व्हाट्सएप के 90% इक्विटी शेयर होल्डर को 90% इक्विटी शेयर होल्डर बोलने चाहिए कि हम लोग तो तैयार है आपके फेसबुक में आने के लिए। ध्यान से सुनना, व्हाट्सएप के 90% इक्विटी शेयर होल्डर को हाँ बोलना पड़ेगा। सर 90% इक्विटी शेयर इन वैल्यू, पर फेस वैल्यू वाले 90%, मतलब व्हाट्सएप के पास 9000 इक्विटी शेयर और एक का फेस वैल्यू इतना है तो 90,000 हो गए, इसका एटलीस्ट 90% मतलब 81,000 रुपीस के इक्विटी शेयर होल्डर को हाँ बोलना चाहिए तो ही हो पाएगा। और ऊपर से कंडीशन नंबर 1 ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए, कंडीशन नंबर 2 बुक वैल्यू, कंडीशन नंबर 3 90% वाले इक्विटी शेयर होल्डर, व्हाट्सएप के 90% इक्विटी शेयर होल्डर को हाँ बोलना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 4, जब आप पीसी दोगे ना पीसी, तो ध्यान से सुनना, जो 90% इक्विटी शेयर होल्डर उनको असेंटिंग इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, जो 90% इक्विटी शेयर होल्डर ने हाँ कर दिया, एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए, एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, और उनको पीसी में क्या दोगे मालूम है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर, और अगर कोई डिफरेंस आया तो कैश में देने का, और अगर कोई डिफरेंस आया फ्रैक्शन शेयर्स आया, फॉर एग्जांपल तुम शेयर्स दे रहे हो 20.75 शेयर, तो 208 को मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू दे दोगे जो भी है, और 0.75 को कैश दोगे, मतलब 10 रुपए का है तो ये कितना हो गया 75, तो 75 रुपीज कैश में दे, because shares cannot be issued in fraction. जो preference shareholder है उसको तुम equity share दो, preference share दो, debenture दो, cash दो, चलेगा। और जो 10% equity shareholder, मतलब जो 10% equity shareholder बोलते हैं, नहीं, हम लोग तो चाहते नहीं है कि WhatsApp बिके, हम लोग नहीं रेडी है, तो उनको तुम कुछ भी दो, क्योंकि 90% वाला अगर एग्री हो गया तो 10% वाले को कंसिडर नहीं करते, पर 90% इक्विटी शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया तो उनको यही देने का, एक इक्विटी शेयर और एक कैश, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 5, न्यू कंपनी को ओल्ड कंपनी का बिजनेस कैरी करना चाहिए, मतलब फेसबुक क्या कर रहा है, व्हाट्सएप क्या करता था, कम्युनिकेशन का बिजनेस करता था, तो वो फेसबुक भी व्हाट्सएप को खरीदने के बाद कम्युनिकेशन का ही बिजनेस करना चाहिए। मैं बोलू अमल के इन नेचर ऑफ मर्जर है, बोलू सिंपल में बोलू इन नेचर ऑफ मर्जर ही हो गया ना। देखो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, पर किधर उसने नाम को चेंज किया है, किधर क्या उसने, उसने आज भी वही बिजनेस चला रहा है जो व्हाट्सएप पहले चलाता था, तो यही करना चाहिए। अगर व्हाट्सएप पहले मैसेजिंग का बिजनेस करता था तो फेसबुक जब उसको खरीदेगा तो मैसेजिंग के बिजनेस में उसको रखेगा। अगर 5 में से 1 कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो परचेज मेथड, और अगर 5 के 5 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ये मर्जर मेथड है। नंबर नेक्स्ट वाला, अब आपको है ना ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर। आपको है ना प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रॉफिट या लॉस मर्जर में कैलकुलेट करना पड़ेगा।
मतलब जब आप फेसबुक, जब फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदेगा, जब फेसबुक व्हाट्सएप के साथ मर्ज होगा, तो उसका मर्जर के साथ प्रॉफिट या लॉस कैसे है, कितना है? तो देखो, सबसे पहला परचेज कंसिडरेशन लिखने का, फिर ओल्ड कंपनी का शेयर कैपिटल लेने का जिसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आता है, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर मिलेगा। अगर परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन शेयर कैपिटल तो वो लॉस है। अगर लॉस आया तो दिस लॉस शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व। अगर लॉस आया तो लॉस को कैरी नहीं करने का, पहले इसको एडजस्ट करने का, ओल्ड कंपनी प्लस न्यू कंपनी के जनरल रिजर्व के सामने सेट ऑफ करो, नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने सेट ऑफ करो, नहीं है तो अदर डिविजिबल प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ करो, नहीं है तो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ करो, फिर भी अगर लॉस बचता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस में लिख दो। बट याद रखना उसके लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व यूज नहीं करने का, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व यूज नहीं करने का। इज दैट क्लियर? दूसरा, अगर प्रॉफिट आ गया मतलब परचेस कंसिडरेशन इज लेस देन शेयर कैपिटल, तो इस प्रॉफिट से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करो। मतलब ओल्ड कंपनी का अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो राइट ऑफ करो, और अगर कोई प्रॉफिट आता है तो जनरल रिजर्व में और प्रॉफिट एंड लॉस में एड कर दो बैलेंस प्रॉफिट। समझ में आया? अब स्टेप्स सर, ओल्ड कंपनी के लिए कोई स्टेप नहीं इसमें, ओल्ड कंपनी सेम है, सिर्फ न्यू कंपनी के लिए स्टेप है। रिकॉर्ड ऑफ परचेज कंसिडरेशन सेम, रिकॉर्ड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, सिर्फ ये चेंज होगा। देखना, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, ध्यान से सुनना, सब लेके जाएगा यहाँ पे, सब मतलब यहाँ पे वो रिजर्व भी लेके जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे वो रिजर्व भी लेके जाएगा, मतलब असेट अकाउंट डेबिट सब 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 असेट लेके जाएगा, लायबिलिटी में सब लेके जाएगा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वही स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सब रिजर्व लेके जाएगा। याद रखना, परचेज मेथड में दो चीजें नहीं लेके जाता, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। याद है ना, अभी तक जो हम लोगों ने परचेज मेथड किया उसमें सेकेंड एंट्री में हम लोग कहीं प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे क्या? नहीं। बट मर्जर मेथड में सिर्फ शेयर कैपिटल लेके नहीं जाने का, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस लेके जाने का। और अगर कोई डिफरेंस आता है इसमें तो उसको रिजर्व में एडजस्ट करने का, और उसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर, जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। समझा? नंबर डिस्चार्ज ऑफ पीसी हो गया सेम, फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये ऑलरेडी इसमें आ गए तो ये नहीं आएगा। फिर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर सेम, फ्रेश इश्यू सेम, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन सेम, पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सेम, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, ओल्ड कंपनी पे नो एंट्री सेम, और न्यू कंपनी पे तो ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैश सेम, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रेड सेम, कैंसलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक सेम। तो चेंजेस क्या हुआ है? सिर्फ सेकेंड एंट्री चेंज हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ सेकंड एंट्री चेंज हुआ है बॉस, बाकी सब को सेम टू सेम ही है। इज दैट क्लियर? अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है इसमें ना, एकदम 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 सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा सा भी हेडेक होता ही नहीं है। मर्जर में तो उल्टा मजा आता है और ज्यादातर पूछा भी जाता है मर्जर में। क्या सर और क्या हो गया अभी? ये आपका पूरा मर्जर मेथड है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं चलेगा।
ठीक है मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, अब कुछ शायद उसमें अच्छे से दिखना भी तो चाहिए ना। देखो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सब ये देखो ये समझ के लो, ये वाला परचेज परचेज मेथड में, परचेज मेथड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं लेके जाता था सेकंड एंट्री में, बट मर्जर मेथड में शेयर कैपिटल नहीं लेके जाने का, सिर्फ रिजर्व सरप्लस लेके जाने सब, अगर कोई डिफरेंस आता है तो रिजर्व सरप्लस में एडजस्ट करने। तो बस बेटा इतना सा था ये, और ये हमने खत्म कर दिया। तो आप अभी हम लोग मर्जर मेथड के सम्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और प्रोबेबली खत्म भी हो जाएगा। चलो बाय।